हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो लोग भी कर रहे हैं उनके लिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम अलग अलग पार्ट में हर सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको चार या पांच पार्ट में जितने भी पार्ट में होंगे हर टॉपिक को अलग करके और वीडियो के रूप में आपके सामने लाएंगे। तो इससे आपको हर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्लियर होगा। इट इज जस्ट अ फॉर्मल डिस्कशन, क्वेश्चंस एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। एग्जैक्ट क्वेश्चन कहीं मिलता नहीं है किसी भी साइट पर, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। आप देखिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट टूल इज यूज फॉर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। तो प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन के जो टूल्स हैं उनसे क्वेश्चन एक पूछा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स दिए हुए थे और आपको बताना था कि इनमें कौन सा इम्प्लीमेंट या टूल जो है वो प्राइमरी टिलेज के लिए यूज होता है। तो एक उसमें ऑप्शन ये भी था, टिलेज बाय वुडन प्लाउ। तो वुडन प्लाउ हमेशा ही प्राइमरी टिलेज के लिए यूज होता है, तो इसका सही जवाब था टिलेज बाय वुडन प्लाउ। इसके अलावा जो और भी प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं जैसे इंडिजिनस प्लाउ, माउल्ड बोर्ड प्लाउ, ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स जिसमें कि आते हैं माउल्ड बोर्ड प्लाउ, डिस्क प्लाउ, सब सॉइल प्लाउ, चीजल प्लाउ एंड और इस तरह के जो भी अदर प्लाउज हैं वो सब प्राइमरी टिलेज के लिए यूज होते हैं। और सेकेंडरी टिलेज के जो इम्प्लीमेंट्स हैं जैसे कि हैरो, कल्टिवेटर, लेवलर्स, क्लॉड क्रशर्स और इस तरह के जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं वो सेकेंडरी टिलेज के लिए यूज होते हैं। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट फ्रॉम स्टोरेज पेस्ट। तो इसका सही आंसर था फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्टोरेज पेस्ट में क्योंकि इसे यूज करना थोड़ा कन्वीनियंट होता है। ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो भी इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं उनके अंदर ये चला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है इसलिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, आप इसको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कह लीजिए या फिर एग्रीकल्चर से, ये हर जगह पढ़ाई होता है तो ये स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग से नहीं है लेकिन जो लोग भी इंजीनियरिंग के होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये फ्यूमिगेशन फूड में पढ़ा जाता है तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड वो क्या है जैसे रोडेंटिसाइड, फंजीसाइड। तो फ्यूमिगेशन के लिए भी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को यूज करते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से फॉस्फीन गैस निकलता है, एक रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड प्लस वाटर, तो उसमें फॉस्फीन गैस निकलता है और वो फॉस्फीन फ्यूमिगेशन के लिए यूज होता है। तो वो भी एक क्वेश्चन था, इसका सही जवाब होगा फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्रिप इरिगेशन इज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए थे ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो उसमें एक था, इट रिड्यूसेस फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। तो ये ऑप्शन गलत था क्योंकि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को ये रिड्यूस नहीं करता है बल्कि इसे बढ़ाता है। बहुत सारी एफिशिएंसी जैसे कि वाटर यूज एफिशिएंसी उसको भी ये बढ़ाता है, 90% से ज्यादा होता है वाटर यूज एफिशिएंसी। बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए थे उसमें ये जो ऑप्शन था इट रिड्यूसेस फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी ये गलत है। और भी ड्रिप इरिगेशन के बारे में बता दूं, जहां पर पानी कम होता है उस जगह पर ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं, सीधा रूट्स में पानी को होल्स के थ्रू, पाइप में होल्स बनाकर, एमिटर बनाकर रूट्स में छोड़ा जाता है तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, 90% से ज्यादा होती है एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वाटर सेट प्रोजेक्ट। ये वाटर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वाटर लैंड एंड वाटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में। तो इसका सही जवाब था रिजर्वेशन फॉर SC ST। वाटर सेट प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए कभी भी इस क्रिटेरिया का सहारा नहीं लिया जा सकता, रिजर्वेशन फॉर SC ST। और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे जो कि वाटर सेट प्रोजेक्ट को चूज करने में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू रॉक्स एंड सर्विसेज इज नोन एज।
डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन को परकोलेशन बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस थे परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन, सीपेज और थे, पांच ऑप्शंस होते हैं। तो जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होता है उसको परकोलेशन बोलते हैं। जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो टॉप सरफेस से जब अंदर जाता है उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, और जो लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है उसको सीपेज कहते हैं। तो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और आपको सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली अवेलेबल रेंज ऑफ सॉइल वाटर कम्स अंडर। तो जो सबसे ज्यादा, जो एक्चुअली में जो अवेलेबल वाटर होता है प्लांट्स के लिए, तो वो कैपिलरी वाटर होता है, और जो वाटर होते हैं वो बाउंड स्टेट में होते हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं सॉइल से, तो उतना अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स के यूज के लिए। तो इसका सही जवाब था कैपिलरी वाटर। और एक कैपिलरी वाटर के अलावा ग्रेविटेशनल वाटर है जो कि फ्लो कर जाता है, वो अटैच नहीं रहता है। कैपिलरी वाटर है जो कि सफिशियंट फोर्स के साथ रहता है, जो कि अवेलेबल हो सके। बाकी हाइड्रोस्कोपिक वाटर वगैरह बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं पार्टिकल्स से, तो वो प्लांट्स उसे यूज नहीं कर पाते। तो इसका सही जवाब था कैपिलरी वाटर। जो मोस्टली अवेलेबल रेंज ऑफ सॉइल वाटर है वो कैपिलरी वाटर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कैपिलरी वाटर आर बाउंड टू सॉइल पार्टिकल्स विथ हाउ मच प्रेशर। उसके जगह कैपिलरी वाटर के जगह हो सकता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर हो, ग्रेविटेशनल वाटर हो। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, कोई 3 ATM 0.3 ATM पे होता है, कोई 3 ATM पे होता है, तो सारी चीजें आप इसके बारे में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो टिल प्लांटर यूज्ड फॉर। तो नो टिल प्लांटर जो है वो यूज होता है डिबलिंग के लिए। इसका एक और ऑप्शन था सोइंग टाइम, तो जो सबसे सही ऑप्शन लग रहा था वो डिबलिंग है, क्योंकि डिबलिंग के टाइम कोई भी टिलेज नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मैंडेट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसके ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसके बारे में पढ़िए कि जो वाटरशेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैंडेट्स हैं, शायद ये क्वेश्चन और वो ST रिजर्वेशन फॉर ST SC, तो वो दोनों क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि दोनों सेम था या अलग अलग था, लेकिन चूंकि ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें मिल नहीं पाया एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, मैंडेट्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप इसको पढ़ना। बहुत सारे मैंडेट्स होते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, किसी भी बुक से, लैंड वाटर के बुक से या फिर एग्रीकल्चर में जो भी बुक है उसमें जो भी मैंडेट्स हैं उसको पढ़ना। हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ होंगे ऑप्शंस, और एक होगा ऑप्शन जो कि नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन था, विच इज नॉट ए मैंडेट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एक क्वेश्चन था, एग्रो इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट जापानी कंपनी, कोई इससे रिलेटेड थी कि कोई एक जापानी कंपनी है एग्रो इंस्ट्रूमेंट, उसका हेडक्वार्टर शायद गुजरात वगैरह में ऐसे दिया हुआ था, और उसके बाद आपको बताना था कि वो कंपनी कौन सी है। तो सही जवाब था मित्सु बिशी। इस तरह से जो भी कंपनीज वगैरह हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने वाले, ट्रैक्टर बनाने वाले, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा देख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत सारे बुक्स में। जैसे कि जे सहाय की बुक है इंजीनियरिंग के, उसके पीछे में बहुत सारी कंपनीज दी हुई है, तो आप एक नज़र उस पर डाल लेना, हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीएच ऑफ अल्कली सॉइल इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कली सॉइल, सलाइन सॉइल एंड सलाइन अल्कली सॉइल्स, इससे रिलेटेड तीन चार टर्म्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच, सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो। तो इनके वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ये क्लासिफिकेशन किया जाता है कि सलाइन है, अल्कली है या फिर सलाइन अल्कली सॉइल है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से देखिएगा कि क्या क्या वैल्यूज हैं जिसके मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, पीएच के, जिसके अकॉर्डिंगली जो क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये अल्कली सॉइल, इसका जो पीएच होता है ये 8 से ज्यादा होता है। इसका सही जवाब था मोर देन 8। तो ये थे आज के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे। हो सकता है इनमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो जो कि कॉमन हो, जैसे एग्रीकल्चर BSc वाले भी पढ़ते हो, हॉर्टिकल्चर वाले भी पढ़ते हो, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को दूसरी जगह भी हो सकता है कि हम डिस्कस करें।
तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हम जो दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे फिशरीज, एनिमल साइंस, हॉर्टिकल्चर, तो फूड साइंस, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी अलग अलग सेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा सेक्शंस में एक ही टॉपिक को डिस्कस करें, तो सारे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। और ये एक फॉर्मल डिस्कशन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो IBPS के वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाता, ये उनकी पॉलिसी है। तो इट वॉज जस्ट अ फॉर्मल डिस्कशन, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जो ये YouTube का चैनल है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर IBPS, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। जो Facebook का पेज है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर IBPS, इसको लाइक कीजिए। आप Facebook के पेज को लाइक करते हैं तो आपको Facebook में नोटिफिकेशंस दिखेंगे, और YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मेल में नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, और आप अगर मोबाइल में लॉगिन करते हो उसी मेल से तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मोबाइल में भी। तो आप जरूर से पेज को लाइक कीजिए और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अभी 2 महीने बाकी है, हम कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स जो एग्रीकल्चर के भी हैं उसको कवर करें। साथ में हम करंट अफेयर्स के वीडियोस भी डाल रहे हैं, और इस तरह की चीजें जैसे कौन सी बुक फॉलो करनी है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर, ये भी हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।